मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। आप सब इन्हें तो जानते ही होंगे, संजय राउत इनका नाम है, जिन्हें नॉटी नेता भी बहुतों द्वारा कहा जाता है। इन्होंने SSRN से, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस से कुछ सवाल पूछे हैं और सवाल ये पूछे हैं सुशांत सिंह राजपूत फैंस की चुप्पी को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत कहते हैं कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाई, जब कंगना रनौत का घर टूटा आपने फिर आवाज़ उठाई, पर क्या आप लोग मोहन डेलकर को नज़रअंदाज कर गए? क्या हुआ, उनके लिए सवाल खड़े नहीं करेंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो जी संजय राउत जी, आवाज़ तो बहुत लोग उठा रहे हैं, और आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो पूरा महाराष्ट्र ही सर पे उठा लिया था, जिनमें से साहिल चौधरी, अर्नब गोस्वामी, मैं वैसे तो आपको बहुत सारे नाम गिना दूं, पर फिलहाल इनकी ही बात कर ली जाए। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो वो कौन लोग थे जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक किया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी, उसके स्टाफ, उसके रिपब्लिक TV न्यूज़ चैनल पर 1000 से ज़्यादा FIR करवा दी थी? तो जी आवाज़ तो बहुत लोग अभी भी उठा रहे हैं और लोग आगे भी उठाते रहेंगे, पर क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करेगी? तो कहिए, हज़ारों की संख्या में सिर्फ मुंबई से ही लोग न्याय मांगने सड़कों पर आज ही निकल पड़ेंगे, और आप सिर्फ आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लोग बिना न्याय लिए अपने घर वापस तक नहीं जाएंगे। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपको बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूँगा आपसे थोड़ी ही देर में और एक नए अपडेट के साथ।